यजुर् दृष्टि से प्राणोपासना। यजु इस प्रकार प्राण की उपासना करी। प्राण यजु है क्योंकि प्राण में ही इन सब भूतों का योग होता है। संपूर्ण भूत इसकी श्रेष्ठता के कारण इससे संयुक्त होते हैं। जो ऐसी उपासना करता है वे यजु के सायुज्य और सलोकता को प्राप्त होता है। यजु इस प्रकार भी प्राण की उपासना करी। प्राण यजु है। प्राण यजु किस प्रकार है क्योंकि प्राण में ही समस्त प्राणियों का योग होता है। प्राण के न रहने पर किसी के साथ किसी का योग होने का सामर्थ्य नहीं है, अतः योग करता है, इसलिए प्राण यजु है। इस प्रकार उपासना करने वाले का श्रुति फल बतलाती है। इस प्रकार उपासना करने वाले को संपूर्ण भूत श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ भाव का नाम श्रेष्ठ है। उस श्रेष्ठ यानी श्रेष्ठ भाव के लिए ये हम में श्रेष्ठ हो इस निमित्त से युक्त होते अर्थात उद्यम करते हैं, तथा वह यजुरूप प्राण का सायुज्य प्राप्त करता है।